गुड़ामलानी में भारतीय किसान संघ के बैनर तले पिछले तीन दिनों से किसानों द्वारा बेमौसम के कारण जीरे सहित विभिन्न फसलों में हुए नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन के तीसरे दिन शुक्रवार को किसानों की ओर से भगवान बलराम के जयकारों के साथ सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। गुड़ामलानी से अर्जुन दर्जी की रिपोर्ट। गुड़ामलानी में भारतीय किसान संघ के बैनर तले पिछले तीन दिनों से किसानों द्वारा बेमौसम के कारण जीरे सहित विभिन्न फसलों के हुए नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन के तीसरे दिन शुक्रवार को किसानों की ओर से भगवान बलराम के जयकारों के साथ सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। किसानों का कहना है कि भगवान बलराम सरकार और प्रशासन को सद्बुद्धि दे ताकि किसानों के हुए नुकसान की मांगों को प्रशासन माने। भारतीय किसान संघ प्रचार प्रमुख प्रहलाद सियोल ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि प्रतिकूल मौसम की वजह से जीरे सहित विभिन्न फसलों में भारी नुकसान हुआ है। फसल खराब होने के बाद प्रशासन को बार बार अवगत करवाया गया व उचित मुआवजे की मांग रखी गई। साथ ही कोऑपरेटिव की ओर से किसानों के साथ धोखा किया गया है। कोऑपरेटिव बैंक ने किसानों का फसल बीमा भी नहीं काटा, जिससे बीमा क्लेम भी मिलना मुश्किल हो गया है। शियोल का कहना है कि क्षेत्र के किसानों के लिए जीरा मुख्य फसल है, जो कि पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गई है। सरकार से गुजारिश करते हुए कहा कि किसानों को बीमा धन की राशि के बराबर मुआवजा दिया जाए। प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों की वजह से जीरा फसल पूर्णतया जलकर नष्ट हो गई है। हमने 15 तारीख को प्रशासन को यहाँ पर मौके पर बुलाकर मुआवजे के लिए निवेदन किया था। हमारा साथ कोऑपरेटिव बैंक ने धोखा करते हुए हमारा फसल बीमा भी नहीं काटा, इसलिए बीमे की गुंजाइश भी नहीं है। और किसानों की मुख्य आय का जरिया जीरा फसल थी, जो पूर्णतया सपोर्ट हो गई है, इसलिए हमें बीमा धन की राशि के बराबर मुआवजा मिले, इसलिए यहाँ पर किसान महापड़ाव का आयोजन पिछले 3 दिन से किया जा रहा है। 3 दिन लगातार हम आज यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ आकर हमसे नहीं बात की है, न कोई राजकारी कदम उठाए जा रहे हैं, इसलिए किसान बहुत आहत और परेशान है। ये सद्बुद्धि यज्ञ करने का सद्बुद्धि यज्ञ करने का ये था कि 3 दिन से हम पीड़ित हैं और यहाँ पर बैठे हैं, सरकार नहीं सुन रही है, इसलिए हमें भगवान पर भरोसा है कि यज्ञ करने से भगवान इनको सद्बुद्धि देगा, प्रशासन को और सरकार को। तीसरे दिन में कोई सरकारी या कर्मचारी या कोई भी प्रशासन हमको सुख देने के लिए नहीं आया, इसीलिए कल हमने तय किया था कि कल सद्बुद्धि यज्ञ करें। तो हमने यज्ञ इसीलिए किया कि उसको कोई सद्बुद्धि दे और कोई हमारी सुख ले, इसीलिए हमने किया था। और हमारे जीरा की फसल यहाँ का मेन किसानों का खेती का ये आय के लिए ये जीरा फसल है, और जीरा फसल सारा ही 100% नष्ट हो गया। सभी खासतौर पर समान रूप से सभी जिलों में समान रूप से रबी का फसल बीमा किया गया है, न कि व्यवस्थापकों की मनमानी से। जितनी राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से काश्तकारों की राशि बीमा होल्ड की गई थी, उतनी राशि का बीमा कर दिया गया है और सभी जिलों में समान रूप से बीमा किया गया। कोई भी काश्तकार रबी फसल बीमा से वंचित नहीं है। किसानों ने कहा कि पिछले 3 दिनों से उपखंड मुख्यालय के आगे महापड़ाव है, लेकिन प्रशासन की ओर से किसानों की शुद्ध तक नहीं ली जा रही है और ना ही प्रशासन कोई सहायता के लिए तैयार है, इसलिए किसान आहत हैं और दुखी हैं। सभी किसानों ने मिलकर प्रशासन और सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। कहा कि किसानों को खेतों में रहकर खराब फसल को समेटने का समय था, लेकिन प्रशासन की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता के कारण अन्नदाता आज सड़कों पर है। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष हरदान राम चौधरी, नारायण राम प्रजापत, तहसील अध्यक्ष खेताराम सियोल, वबूताराम उडासर, डबुई सरपंच हरिराम जाजड़ा, मूलाराम ढाका, भैराराम सारण, जोगाराम ढाका सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।